मानसून की दस्तक से पहले अंबाला छावनी में अधिकारी युद्ध स्तर पर काम पर लग गए हैं। दरअसल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ आज अंबाला कैंट के सभी नालों और टांगरी नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ अंबाला जिला उपायुक्त डॉक्टर शालीन और इरिगेशन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले साल टांगरी नदी ही थी जहां पर बाढ़ आई थी, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कुछ दिनों पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टांगरी नदी पर हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी विभागों ने दुस्तर पर काम करना आरंभ कर दिया है। वहीं अनिल विज ने कहा कि हमारा प्रयास है कि नदी का पानी लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाए और अपनी सीमा में रहे। सारे युद्ध स्तर पर ये काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया है और हमारा प्रयास ये है कि जो पानी है वो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करे और अपनी सीमा में रहे। उसके लिए आज हमने सारे पॉइंट देखे। आज हमने गुड़गुड़िया नाला देखा है, मेशनगर ड्रेन देखी है, बी डी फ्लोर मिल के पीछे का नाला देखा है, सुभाष पार्क से जो नाला जा रहा है उसको भी देखा है, और ये जो टांगरी है, टांगरी जो आ रही है इसको भी देखा है, और इसको हमने कहा है भाई इसको मशीन ने चलाकर इसको गहरा कर दिया जाए और उसकी मिट्टी निकाल के साइडों में डाल दी जाए। वहीं पूर्व गृह मंत्री ने अंबाला कैंट के सभी नालों को भी देखा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि मशीन से नदी को गहरा किया जाएगा और जब लोग राजी हो जाएंगे तो बांध को पक्का भी बना दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि बाढ़ से किसी को नुकसान ना हो। अभी तो क्योंकि अब जल्दी है बरसाते, अभी तो यही काम हो सकता है। आगे भी हमने इसकी प्लान बना रखी है, अगर लोग राजी होंगे, क्योंकि कई जगह पे हमें लोगों की जमीन की जरूरत भी पड़ती है, तो इसमें जो बांध बनेंगे उसमें हम स्टोन पिचिंग करा के देंगे। वो हमारा ऑलरेडी प्रपोज्ड है, वो हम करके देंगे और कोशिश यही है कि बाढ़ से कोई नुकसान ना हो। पूर्व गृह मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय से नदी के आसपास के अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने को लेकर अनिल विज ने इरिगेशन विभाग के एक्सिएशन को भी फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाव हो सके। सूर्या समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।